हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आज मैं एक और व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी कैरी एक्सप्लेन करूंगा, जो कि रीमेक है 1976 और 2002 में बनी सेम नेम की मूवी, ओरिजिनली डायरेक्टेड बाय ब्रायन डे पाल्मा। और ये मूवी स्टीफन किंग्स के 1974 के नॉवेल पर आधारित है। इस रीमेक के डायरेक्टर है किम्बली और इसे IMDb पर 5.9 की रेटिंग है, पर इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग $85 मिलियन की कमाई की, जो 2013 की 67th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। इसके लीडिंग रोल में है क्लोए ग्रेस मोटेस एस कैरी वाइट, जूलियाना मोरे एस मार्गरेट वाइट, और इनके सपोर्टिंग रोल में है पोर्शिया डबलडे एस क्रिस हार्गिनसन, जूडी गीर एस मिस डेजार्डिन, गैब्रिएला वाइल्ड एस सू स्नेल, और एंसेल एलगोर्ट एस टॉमी रॉस। इस मूवी की एंडिंग एकदम इनकम्प्लीट लगती है, इसलिए आज भी ज्यादा करके लोगों को ये मूवी समझ नहीं आती, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे एक्सप्लेन करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। मूवी के शुरुआत में वर्ष 1995 में एक घर में हमें मार्गरेट व्हाइट की दर्द की मारे चीख सुनाई देती है। फिर मूवी का कैमरा घर की सीढ़ियों से होते हुए हमें दिखाई देता है कि मार्गरेट बेड पर दर्द में तड़प रही है। वहीं सीढ़ियों पर होली वाटर, खून के कुछ बूंदे और अलग तरीके का बाइबल पड़ा है। उसे लगता है कि उसे अपने किए पाप के वजह से श्राप में उसके फीमेल पार्ट्स में कैंसर हो गया है और वो जल्द ही मरने वाली है, इसीलिए ऊपर जाने से पहले भगवान से माफी की प्रार्थना करती है। उसका शरीर दम तोड़ने लगता है और उसे ऐसा अब महसूस होने लगता है कि यही उसका आखिरी पल है, पर वो मरती नहीं। खुद को जिंदा देखकर उसे आश्चर्य होता है और फिर उसे अपने पैरों के बीच एक बच्ची दिखाई देती है। अब उसे पूरी तरह से समझ आता है कि वो कैंसर नहीं था, बल्कि वो हमेशा से प्रेग्नेंट थी। उसे लगता है कि ये कोई भगवान का परीक्षा है उसके किए पापों का, और इसीलिए उसे मारने की कोशिश करती है, पर एन मौके पर रुक जाती है। वो किसी कारण से उसे नहीं मारती और फिर अपने न्यू बॉर्न बेबी को गोद में लेती है, और फिर मूवी अपने वर्तमान समय में मुड़ जाती है। अब कैरी व्हाइट 18 साल की हो चुकी होती है, जो व्यवहार में बहुत ही नम्र, शर्मीली और कमजोर लड़की होती है और सभी से दूर रहना पसंद करती है, क्योंकि लोग उसे अजीब तरह की लड़की मानते हैं और मौका मिलने पर उसका मजाक उड़ाते हैं। लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करते जैसे उन लोगों ने उसका बहिष्कार किया हो। कैरी एकलौती संतान होती है मार्गरेट की। अपने माँ के अजीब होने के वजह से उसे कभी एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीने का मौका नहीं मिलता। उसकी जिंदगी सिर्फ स्कूल और घर में बीतती है। वो एक नॉर्मल लड़की की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहती है, पर समाज और ना ही उसकी माँ उसे जीने देते हैं। कैरी की माँ मानसिक तौर पर बीमार, परेशान, कट्टर धार्मिक और तपस्वी होती है, जिसने बचपन से कैरी को अपना एक श्राप का फल समझा, जो बचपन से उसके साथ दुर्व्यवहार और रोज किसी न किसी कारण से उसे मारती थी जब भी उसने उसके अनुसार कुछ गलत किया। वो हमेशा से कैरी को दूसरों से दूर और भगवान के प्रति अनुशासन बंद बनाई रखती है, और जब भी वो उसके अनुसार कोई गलत काम करती है जिससे भगवान को बुरा लग सकता है, तो वो उसे एक छोटे कोठरी में बंद कर देती है जो धार्मिक चीजों से भरा होता है, ताकि कैरी भगवान से माफी मांग सके। उसके हिसाब से हर नॉर्मल चीज एक पाप होता है और इसीलिए कैरी को सभी से दूर रखती है। क्योंकि लोग कैरी का मजाक उड़ाते हैं, वो दूसरों से बचते हुए जिम क्लास पहुंचती है। पीई क्लास के वाटर वॉलीबॉल गेम में भी अपने टीम से काफी दूर खड़ी रहती है, पर गेम के दौरान बॉल उसके सामने आ गिरता है और उसकी टीम उसे सर्व करने के लिए कहती है, पर जब कैरी सर्व करती है तो बॉल उसके टीममेट सू को लग जाती है और सभी सू पर हंसने लगते हैं, और उन्हें हंसता देख कैरी को भी हल्की हंसी आ जाती है। पर अंत में मूवी की मेन विलेन क्रिस हार्गिनसन कैरी का मजाक उड़ाती है उसे यू ईट शिट कहकर, और फिर सभी कैरी पर हंसने लगते हैं। वॉलीबॉल गेम के बाद वो फिर से सबसे दूर जाकर शॉवर लेती है, पर फिर अचानक से अपने शरीर से निकल रहे खून को देखकर डर में चिल्लाने लगती है और दूसरों से मदद की रिक्वेस्ट करती है। दरअसल कैरी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में नहीं पता होता है, उसकी माँ ने भी उसे इसके बारे में कभी नहीं सिखाया होता है, और ये उसका पहला अनुभव होता है। खून को देखकर कि शायद से वो मरने वाली है, सभी से मदद की भीख मांगती है, और उनके क्लासमेट्स को भी समझ आ जाता है कि कैरी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में कुछ नहीं पता, पर उसे समझाने या उसकी मदद करने के बजाय सभी लोग सू और क्रिस के साथ उसे चीखता देख उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उस पर सैनिटरी पैड्स फेंकने लगते हैं, और क्रिस उसका वीडियो भी शूट करने लगती है। पर अंत में सू को ये मजाक हद से ज्यादा लगने लगता है और उसे अपने आप पर शर्मिंदगी होने लगती है, और इसीलिए वो वहीं रुक जाती है, पर बाकी अब भी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। किस्मत से उनकी टीचर मिस डेजार्डिन कैरी के चीख को सुनकर वहाँ पहुँचती है। उन्हें बाकी सबसे समझ आता है कि कैरी की हालत क्या है। कैरी अपने टीचर को दर्द में कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो अब भी दर्द में चीखती रहती है, पर अंत में जिम टीचर उसे किसी तरह शांत करती है। इस घटना के दौरान मूवी में ये दिखाया है कि जब भी कैरी को गुस्सा या वो अपना होश खो बैठती है, इर्द गिर्द के चीजें खास करके कांच टूटने लगते हैं और लाइट्स बंद चालू होने लगते हैं।
जिम टीचर कैरी को प्रिंसिपल हेनरी गेल के ऑफिस ले जाती है और वहाँ पूरी घटना के बारे में उन्हें बताती है। प्रिंसिपल उसे फुल परमिशन देते हैं इसके पीछे जिम्मेदार लोगों को सजा देने के लिए और कैरी को समझाते हैं कि उन्हें उसकी मॉम को इस घटना के बारे में बताना पड़ेगा, पर कैरी एकदम से डर जाती है और उन्हें ऐसा करने से मना करती है, पर स्कूल के रूल्स के हिसाब से उन्हें ये करना पड़ता है। यहाँ फिर से जब कैरी को डर लगने लगता है तो ऑफिस में रखा वाटर बॉटल टूट जाता है। प्रिंसिपल से घटना का पता चलने पर उसकी मॉम उसे पिकअप करने आती है और इसी तरह कैरी उनसे मांग करती है कि आखिर क्यों उन्होंने उसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में नहीं बताया। वो इतने डर में थी कि उसे लग रहा था कि वो मरने वाली है, पर मार्गरेट जवाब नहीं देती और उसे घर में चलने को कहती है, पर कैरी जिद में घर नहीं जाती जब तक उसे सफाई नहीं मिलता। मार्गरेट उसके बातों को इग्नोर करते हुए घर में चली जाती है। वहीं कैरी को एक पड़ोसी बाइसिकल पर कैरी क्रेजी कहकर चिढ़ाता है और कैरी उसे गुस्से में देखती है जिससे वो बाइसिकल से गिर पड़ता है। ये देखकर कैरी को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि उसमें किसी तरह का टेलीकिनेसिस यानी कि अलौकिक शक्ति है। बाद में घर में जाने पर कैरी को अपनी मॉम अपने सिर दीवार पर पटकते हुए दिखाई देती है। दरअसल मार्गरेट अक्सर कैरी को ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है जब भी उसे कैरी से कुछ करवाना होता है। उसके बाइबल के हिसाब से कैरी ने पाप किया होता है अपने दोस्तों के साथ स्नान करके, क्योंकि इससे उससे दूसरों के खुले अंग को देखकर हवस की भावना जरूर आई होगी और इसीलिए उसे माफी के लिए प्रार्थना करने को फोर्स करती है। यहाँ एक चीज पता चलती है कि मार्गरेट ने अपने विश्वासों और फायदे के अनुसार खुद से एक बाइबल बनाई होती है जिसके हिसाब से किसी भी तरह का अंग प्रदर्शन पाप है। जब कैरी प्रार्थना करने का विरोध करती है और उसकी बाइबल को फेक बताती है तो मार्गरेट उसी बाइबल से उस पर वार करती है। दोनों में भीषण बहस होती है, पर कैरी के हिसाब से मार्गरेट ने खुद पाप किया होता है उसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में ना बता के, क्योंकि इससे उसे काफी बेइज्जती सहनी पड़ी। ये सुनकर मार्गरेट को गुस्सा आ जाता है और फिर जबरदस्ती उसे कोठरी में बंद कर देती है और उसे माफी के लिए प्रार्थना करने को कहती है। कैरी बहुत विनती करती है दरवाजा खोलने को, पर वो नहीं मानती और फिर कैरी के गुस्से में कोठरी में दरार पड़ जाती है, जिसे देखकर मार्गरेट और कैरी के होश उड़ जाते हैं। कैरी भी अपने इस अलौकिक शक्ति से आश्चर्यचकित हो जाती है और उसकी नजर जीसस की मूर्ति पर पड़ती है जिनसे खून बहने लगता है। उसी रात सू अपने बॉयफ्रेंड टॉमी के साथ सेक्स के दौरान उसका ध्यान अब भी कैरी पर किए मजाक पर अटका होता है। वो टॉमी को अपने गिल्ट के बारे में बताती है। वहीं क्रिस को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता और उसने रिकॉर्ड किए वीडियो को यूट्यूब पर पोस्ट कर देती है जिससे कैरी का नाम स्कूल में और खराब हो जाता है। बाद में मार्गरेट दरवाजा खोलती है और कैरी से पूछती है कि क्या उसने माफी मांगी, जिस पर कैरी हाँ में जवाब देती है और फिर मार्गरेट का व्यवहार उसके प्रति ऐसा बदल जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था और एक प्यार करने वाली माँ जैसा पेश आने लगती है। अगले दिन स्कूल में जिम टीचर सू और कैरी के साथ उन सभी को पनिश करती है जिसने भी कैरी पर किए शर्मसार हरकत में साथ दिया। अगर उनमें से किसी ने भी उसका पनिशमेंट पूरा नहीं किया तो उन्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि उन्हें आने वाले प्रॉम नाइट में भी जाने नहीं मिलेगा। जिम टीचर को ये भी भनक लगती है कि आखिर किसने कैरी के वीडियो को इंटरनेट पर पोस्ट किया होगा। पनिशमेंट के तौर पर उन्हें पूरे हफ्ते सुसाइड स्प्रिंट्स करना होता है, यानी कि तब तक दौड़ लगानी है जब तक उनकी जान कमजोर न पड़ जाए। पर क्रिस इस पनिशमेंट का विरोध करती है और इसीलिए मिस डेजाडून उसे सस्पेंड कर देती है। क्रिस के हिसाब से वो ऐसा नहीं कर सकती जब तक बाकी लोग भी उसका विरोध करे, पर कोई भी क्रिस का साथ नहीं देता क्योंकि वो लोग उनकी जिंदगी में सिर्फ एक बार ग्रेजुएशन के लास्ट दिन होने वाले प्रॉम में जाने का मौका नहीं गवा सकते और इसीलिए क्रिस गुस्से में वहाँ से चली जाती है। स्कूल रिटर्न आने पर कैरी को दूसरों के शक की नजरों का सामना करना पड़ता है क्योंकि सभी ने उसके वीडियो को देख लिया होता है। परेशान और तंग आकर कैरी सीधे बाथरूम जाती है जहां अपना सारा गुस्सा एक आईने पर फोकस करती है जिससे वो चकनाचूर हो जाता है। अपने शक्ति का पता लगने पर वो टूटे हुए ग्लास को हवा में उड़ाने की कोशिश करती है, पर अंत में कोई और आ जाता है और वो वहीं रुक जाती है। अपने अलौकिक पावर के बारे में और जानने के लिए वो लाइब्रेरी में इंटरनेट पर इसके बारे में शोध करती है और उसे पता चलता है कि वो भी उन कुछ भाग्यशाली लोगों में से है जिनके पास टेलीकिनेसिस यानी कि अलौकिक शक्ति है जिससे वो चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। कैरी अब अपने शक्ति को धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख लेती है और अपने अनुसार चीजों को हवा में उड़ा सकती है, जो उसके लिए ये उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। इसी दौरान क्रिस के पिता एक अखड़ वकील प्रिंसिपल और जिम टीचर से मीटिंग करते हैं उनकी बेटी के सस्पेंशन को रिटर्न लेने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है क्रिस पर लगाए इल्जाम को साबित करने के लिए, वरना वो स्कूल पर केस कर देंगे। क्रिस के पिता को अपनी बेटी पर पूरा विश्वास होता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर जिम टीचर चालाक होती है और वो उसके पिता को याद दिलाती है कि क्रिस ने उस घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था जो अब भी उसके फोन में है, और अगर ये बाहर खबर फैल ली कि उसके बेटी ने क्या किया तो उनका नाम काफी खराब होगा।
और फिर क्रिस को भी भविष्य में किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। वो सस्पेंशन को रिटर्न और खुद माफी मांगने के लिए तैयार है अगर क्रिस ये साबित कर दे कि उसके फोन में वो रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। जाहिर तौर पर क्रिस अपना मोबाइल नहीं देती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है, यानी कि अब उसका प्रॉम ना जाना तय है। अपना गुस्सा वो सू पर निकालती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि वो आखिर में इसलिए रुक गई क्योंकि उसे पता था कि पनिशमेंट के तौर पर उसे प्रॉम नहीं जाने मिलेगा, जिसके लिए वो कब से अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने के लिए तैयारी कर रही है। सू के लिए ये सब सच नहीं होता और साबित करने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तय करती है प्रॉम ना जाने की। इनफैक्ट वो डिसाइड करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड टॉमी को कैरी को अपने साथ प्रॉम ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करेगी, क्योंकि सू को पता होता है कि कैरी टॉमी को पसंद करती है और कैरी टॉमी के साथ प्रॉम जैसे स्पेशल दिन के लिए मना नहीं करेगी। इसीलिए टॉमी सू के जोर पर उसकी बात मान लेता है और इस तरह कैरी को प्रॉम के लिए पूछता है, पर कैरी को लगता है कि वो उसके साथ कोई गंदा मजाक कर रहा है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। पर टॉमी उसे विश्वास दिलाता है और अंत में कैरी हाँ बोल देती है। कैरी बहुत खुश होती है प्रॉम के लिए इनवाइट होने पर और उसे ऐसा महसूस होता है कि आखिरकार उसे बाकी सभी इंसानों की तरह जीने का मौका मिलेगा। यही मौका है सभी को साबित करने का कि वो अजीब लड़की नहीं है। इस खुशी में वो बहुत दिल से अपने प्रॉम नाइट के लिए फैब्रिक की शॉपिंग करती है जिससे वो अपने हाथों से सिलती है, पर वहीं क्रिस ने उसे शॉपिंग करते वक्त देख लिया होता है जिससे वो और गुस्से में उबलने लगती है। इसी पल वो डिसाइड करती है कि वो कैरी से अपना बदला लेगी और अपने बॉयफ्रेंड बिली और बाकी साथी के साथ साजिश बनाती है। क्रिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक रात किसी फार्म जाती है जहां उसका बॉयफ्रेंड निर्दय तरीके से एक पिग का गला काटकर उसका खून जमा करता है। वहीं अगले दिन प्रॉम नाइट की तैयारी करते वक्त सू को पता चलता है कि वो शायद से प्रेग्नेंट है। कैरी अपनी मॉम को बता देती है कि उसे प्रॉम नाइट के लिए इनवाइट किया गया है और उसने हाँ कह दिया है, पर मार्गरेट को ये सही नहीं लगता। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी औरों की तरह लाइफस्टाइल रखे और फिर दोनों में काफी बहस होती है और आखिर में कैरी को कोटरी में जाने का ऑर्डर देती है, पर इस बार कैरी विरोध करती है और उनके जबरदस्ती करने पर अनजाने में इर्द गिर्द के सामान और मार्गरेट को थोड़ी देर के लिए उछाल देती है। कैरी को यहाँ समझ आता है कि उसकी शक्ति अब और भी पावरफुल हो गई है। वहीं मार्गरेट को लगता है कि कैरी एक शैतान का अवतार है और तुरंत खुद सिर झुकाए प्रार्थना करने लगती है। कैरी उन्हें उठने के लिए कहती है और ना उठने पर उसे अपने शक्ति से हवा में उड़ाती है और मार्गरेट को समझाती है कि शायद से उसमें वही शक्ति है जो उनकी दादी में कभी थी, जो शायद से एक जनरेशन जम करके उसमें भी आ गई है। वहीं मार्गरेट गुस्से में उसे बताती है कि उसे लगता था कि वो उसका कैंसर है जब वो पैदा हुई थी, जिसे सुनकर कैरी को और गुस्सा आ जाता है और उसे और ऊपर हवा में उड़ाती है। कैरी अपना अंतिम फैसला बताती है कि वो प्रॉम जाएगी और बेहतर होगा कि वो आगे इसके बारे में बात ना करे और उसे वो छोड़ देती है। वहीं क्रिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्रॉम नाइट के पहले जिम के रास्ते से स्कूल में घुस आते हैं और स्टेज के ठीक ऊपर पिग के ब्लड से भरा बकेट लटकाते हैं। उनका प्लान होता है कि प्रॉम नाइट के दिन फेक वोटिंग के मदद से टॉमी और कैरी को विनर बनाया जाएगा और जब कैरी इनाम के लिए स्टेज पर आएगी तभी क्रिस पिग के ब्लड से उसे नहला देगी, जिससे ये उसके सबसे भयंकर दिनों में से एक बन जाएगा। आखिरकार प्रॉम डे आता है। कैरी अपने प्रॉम ड्रेस में तैयार होती है पर मार्गरेट उसकी तारीफ करने के बजाय उसे अजीब बोलती है। कैरी अपने सबसे इम्पोर्टेंट दिन में अपने मॉम की बहस नहीं सुनना चाहती पर मार्गरेट उसे उकसाती है कि लोग उस पर हंसेंगे। उसके पास अब भी वक्त है प्रॉम कैंसिल करने का। मार्गरेट इस बार कैरी से एक और बात कन्फेस करती है कि वो उन पर हुए रेप का फल है और वो उसे जन्म देते ही मार देने वाली थी। दरअसल कैरी के पैदा होने से पहले मार्गरेट के पति ने उस पर जबरदस्ती सेक्स किया था और मार्गरेट को वो थोड़ी देर के लिए पसंद भी आया था, पर बाद में वो ये मानने लगती है कि उसने सेक्स करके पाप किया और इसीलिए तब से कैरी को एक पाप का फल मानने लगती है। अब कैरी का पारा पूरी तरह से चढ़ जाता है और इससे पहले कि वो और कुछ बुरा भला कहे वो उसकी जबान अपने शक्ति से सील कर देती है और उसे उसी कोठरी में बंद कर देती है। कैरी टॉमी के साथ प्रॉम लोकेशन पहुंचती है जहां टॉमी उसे अपने दोस्तों से मिलाता है। इस तरह सभी से मिलना और सोशलाइज करना उसे बहुत अच्छा लगता है और खास करके जब सभी उसके लुक्स पर तारीफ करते हैं। टॉमी और उसके साथ किए डांस भी उसके लिए एक यादगार सा पल बन जाता है और कैरी के मन में उसके लिए प्यार बनने लगता है। बाद में टॉमी सू को फोन से टेक्स्ट मैसेज करके बताता है कि कैरी काफी एंजॉय कर रही है और यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है। सू को भी अब थोड़ा राहत मिलता है कि उसने किसी तरह कैरी का भला किया। वहीं क्रिस अपने दोस्तों की मदद से पीछे के दरवाजे से प्रॉम में एंटर कर जाती है और उन्हें फेक वोटिंग कार्ड्स देती है जो उनके दोस्तों को वोटिंग के वक्त असली वोट्स को बदलना होता है।
ताकि कैरी और टॉमी को विनर बनाया जा सके। आखिर में फेक वोट्स के मदद से कैरी और टॉमी को प्रॉम में सबसे खूबसूरत दिखने का सम्मान मिलता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल और मिस जिम टीचर भी बहुत खुश हो जाती है कि आखिरकार कैरी के लिए कोई तो दिन सबसे यादगार रहा। वहीं क्रिस अपने प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता देख वो सू को टेक्स्ट करती है कि कैरी काफी सुंदर लग रही है पर ज्यादा देर के लिए नहीं। मैसेज को देखकर सू के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि क्रिस इतना हद पार कर सकती है और तुरंत कैरी को आगाह करने के लिए प्रॉम निकल पड़ती है। सू टाइम पर प्रॉम पहुंच जाती है, पर इससे पहले कि वो कैरी को वार्न कर सके, जिम टीचर उसके यहाँ होने का गलत मतलब निकालती है और उसे कैरी तक नहीं पहुंचने देती। अंत में क्रिस ब्लड से भरा पूरा बकेट उस पर गिरा देती है, जिससे कैरी पूरी तरह से खून में लथपथ हो जाती है और शॉक में चली जाती है। वहीं क्रिस ने वीडियो स्क्रीन्स को भी हैक किया होता है और वो वही वीडियो अपने फोन से चलाती है उसे और बदनाम करने के लिए। ये देखकर सभी लोग उस पर और हंसने लगते हैं। इसी दौरान वो बकेट किसी तरह अपने जोड़ से टूट जाता है और सीधे टॉमी के सिर जा गिरता है, जिससे उसकी वहीं तुरंत मौत हो जाती है। टॉमी एक लौता इंसान जिसने उसके साथ हमेशा से प्यार से पेश आया, उसकी लाश देखकर कैरी का अत्याचार का बांध टूट जाता है। छत पर पड़े सनग्लासेस को देखकर उसे सब समझ आ जाता है कि इसके पीछे कौन है। कैरी अपना पूरा कंट्रोल खो बैठती है और उस पर लगा ब्लड हवा में तैरने लगता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पर कैरी पूरी तरह से जगह को सील कर देती है ताकि उस पर हंसने वाले लोग भाग न सके। सू और जिम टीचर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर कैरी उन्हें साइड करके बाकी सभी की जान लेकर पनिश करती है, पूरी जगह को आग लगा कर, जिसमें कुछ लोग बच जाते हैं पर ज्यादा करके लोग मारे जाते हैं। कैरी खुद उड़ते हुए वहां से निकलती है और फिर उसकी नजर क्रिस और उसके बॉयफ्रेंड बिली पर पड़ती है। इससे पहले कि दोनों भाग सके, कैरी अपने सुपरनेचुरल पावर से अर्थक्वेक पैदा करती है, जिससे क्रिस की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती। दोनों अब कैरी को देख उसे कुचलने के लिए उसके तरफ गाड़ी मोड़ते हैं, पर इससे पहले कि उनकी गाड़ी कैरी को छू सके, वो फुल फोर्स के साथ गाड़ी को रोक देती है, जिसके टकराने से उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है। वहीं नजदीकी पेट्रोल पंप को इलेक्ट्रिक्यूट करके कैरी क्रिस को भी मार देती है। अब पूरी तरह से हारी हुई, शांत और रोते हुए कैरी अपने माँ के सहारे के लिए अपने घर जाती है, पर उसकी माँ पहले से ही कोठरी से भाग गई होती है और घर में कहीं पे भी दिखाई नहीं पड़ती। कैरी फिर खुद को क्लीन करती है और फिर बाद में मार्गरेट उसके सामने आती है। कैरी रोते हुए उस पर हुए घटना के बारे में सब बताती है कि वो हमेशा से सही थी सबके बारे में, और मार्गरेट के सहारे के लिए गले लगती है। पर मार्गरेट का विचार कुछ और होता है और उसे पीछे से चाकू भोंक देती है। मार्गरेट के हिसाब से वो सच में डेविल है और वो एक वार से नहीं मरेगी, इसलिए वो उस पर फिर से वार करती है। पर अंत में कैरी के पास और चारा ना होने पर मार्गरेट को एक आखिरी सॉरी कहकर इर्द गिर्द रखे नोकीली चीजों को मार्गरेट की तरफ मोड़ देती है, जिसका दृश्य ठीक जीसस की तरह दिखाई देता है। कैरी को यकीन नहीं होता उसके किए पर और अंत में मार्गरेट उसके गोद में दम तोड़ देती है। थोड़ी देर बाद सू पहुंचती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर वो अपने मॉम को मारने के गुस्से में रहती है और इसलिए सू को गले से चोक करने की कोशिश करती है। सू उसे विनंती करती है उसे चोट ना पहुंचाने की, क्योंकि वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। कैरी बाद में उसे छोड़ देती है और उसे पता चलता है कि सू प्रेग्नेंट है एक बच्ची के साथ। सू को सुनकर हैरानी होती है, क्योंकि उसे खुद कंफर्म नहीं था इसके बारे में, और ऊपर से कैरी को कैसे पता चला कि ये एक बच्ची है। कैरी उसके पेट पर हाथ रखती है और बाद में अपने शक्ति से उसे सही सलामत घर से बाहर ढकल देती है। सू बस देखते रह जाती है आसमान से पत्थर बरसते हुए, जो घर को निगल लेते हैं, जिसमें कैरी और मार्गरेट समा जाते हैं, और ये सीन सू के अपने बच्ची को स्पर्श करते हुए एंड हो जाती है। कुछ समय बाद इस घटना को समझने के लिए टाउन के लोग सू को पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि जो हुआ क्या वो नेचुरल एक्सीडेंट था। सू जवाब देती है कि कैरी के पास सुपरनेचुरल शक्ति थी, पर वो एक नॉर्मल लड़की थी जिसके सभी की तरह नॉर्मल आशाएं और सपने थे, पर कुछ लोगों ने उसे तोड़ दिया। आगे सू कैरी को श्रद्धांजलि देने के लिए ग्रेवयार्ड जाती है, पर किसी ने उसके समाधि के पत्थर पर नीचे की तरफ इशारा करते हुए बर्न इन हेल से पेंट कर दिया होता है। कुछ लोग उसके अंतिम समय में भी उसे अकेला नहीं छोड़ते। सू जैसे ही व्हाइट रोज रखती है, तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है और फिर मूवी का सीन हॉस्पिटल की तरफ बढ़ जाता है, जहां सू भयंकर दर में बच्ची को डिलीवर करने की कोशिश करती है। काफी कोशिश के बाद सू को लगता है कि उसने डिलीवरी कर दी,
पर अचानक से खून में लथपथ एक हाथ सू को पकड़ लेता है और डर में वो और चिल्लाने लगती है और फिर मूवी का सीन फिर से सू के घर की तरफ मुड़ जाती है जहां सू उसी तरह भयंकर दर्द में रोती रहती है और उसकी माँ उसे संभालने की कोशिश करती है और फिर मूवी बच्चे के पलंग की तरफ जूम आउट करते हुए खत्म हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मूवी की एंडिंग का मतलब क्या था, आखिर उसे बच्चा हुआ कि नहीं। ये मूवी की एंडिंग ठीक बिल्कुल मार्टिर मूवी जैसी की है, जहां व्यूअर सिर्फ कंफ्यूज होते हैं कि मूवी के एंडिंग का आखिरकार मीनिंग क्या था। पर मैं आपको इसके एंडिंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और अगर आपको मार्टिर मूवी की भी एक्सप्लेनेशन समझनी है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। मूवी को पूरी तरह समझने के लिए आपको इसके डिलीटेड सीन्स और इसके नॉवेल को पढ़ना होगा। जैसे जब सू कैरी के समाधि पर व्हाइट रोज रखती है, उसके ठीक बाद डिलीटेड सीन्स में ये दिखाया है कि समाधि के पत्थर पर चीर पड़ जाता है और उसके ठीक अगले सीन में सू हॉस्पिटल में डिलीवरी कर रही होती है। सू दर्द में ठीक वही शब्द का प्रयोग करती है जो कैरी ने की थी जब वो पहली बार मेंस्ट्रुएशन का अनुभव कर रही थी। इसके अलावा जब सू दर्द के मारे चीख रही थी, हॉस्पिटल का लाइट्स ठीक उसी तरह बंद चालू होने लगता है जैसे कैरी को गुस्सा आने पर उसके इर्द गिर्द के लाइट्स होने लगते थे। इतना ही नहीं, अगर आप इसके प्रेगनेंसी के वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम पॉज करके देखें, तो आपको एक फ्रेम में खून से लथपथ कैरी दिखाई देगी जिसके गोद में कोई बच्चा होता है। इन सीन्स को देखने के बाद यही समझा जा सकता है कि सू की आत्मा अपने समाधि को फाड़ते हुए सू के गर्भ में समा जाती है और सू के गर्भ में पल रहा बच्चा शायद से कैरी का पुनर्वतार है। इसीलिए जैसे ही सू को लगता है कि उसने बच्ची को डिलीवर कर दिया, वैसे ही खून से लथपथ हाथ उसे पकड़ लेता है जैसे वो कैरी का हाथ हो और वो खुद जन्म ले रही हो। मूवी के अंत में सू को भी ठीक उसी तरह भयंकर दर्द होता है जैसे मार्गरेट को हुआ था जब वो कैरी को जन्म दे रही थी। वहीं मूवी के एंड में ये भी दिखाया है कि सू अब भी प्रेग्नेंट होती है। वो ये दर्शाने के लिए होता है कि हॉस्पिटल में हुआ घटना उसका बुरा सपना था, पर शायद से उसके पेट में पल रहा बच्चा कैरी ही है। इस मूवी में एक और सीन है जो कभी दिखाया नहीं। जैसे मूवी के शुरुआत में जब कैरी छोटी बच्ची थी, कैरी अपने पड़ोसी को कम कपड़ों में सन बात लेते देख लेती है जो मार्गरेट के हिसाब से अंग प्रदर्शन करना पाप है और इसीलिए तुरंत कैरी को वहाँ से ले जाती है। पर कैरी समझाने की कोशिश करती है कि उसने उसे जानबूझकर नहीं देखा और परेशान होने लगती है जिसके ठीक बाद आसमान से बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। हैरानी की बात ये होती है कि वो ओले सिर्फ कैरी के आंगन में गिरते हैं और ये क्यों हो रहा है ये मार्गरेट को पता होता है कि उसकी बच्ची अनोखी है। यही कारण है कि जब कैरी जन्म लेती है मार्गरेट उसे मारने वाली होती है पर उसके आंखों में देखने के बाद वो रुक जाती है जैसे कैरी ने उसे हिप्नोटाइज किया हो ऐसा ना करने से। अगर आप इस मूवी का प्रोमो देखें तो डेफिनेटली ये आपको काफी इंटरेस्ट करेगा, पर अंत में ये बस एक और सुपरनैचुरल मूवी है। हॉरर सीन्स इसमें काफी कम है। मेरे हिसाब से ये वन टाइम वॉच मूवी है और इसमें सिर्फ एक ही चीज है जो आपको इंटरेस्ट करेगी और वो है इसका कंफ्यूजिंग एंडिंग जो आपको मजबूर कर देगा एंडिंग के बारे में और जानने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर अब भी मूवी से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट में मेंशन जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।